वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके सहयोग से ही मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अतिसार के बारे में मैं चर्चा करूँगा। गर्मियों का मौसम है और पेचिस या लूज मोशन होना बड़ी आम बात है, तो कफ और पित्त के कारण से जो अतिसार होता है उसका एक बड़ा साधारण सा नुस्खा आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। इसमें जो प्रयोग हुआ है वो औषधि है पाठा, इंद्रजौ, बड़ी हरड़ का छिलका। हरड़ दो प्रकार की होती है, एक छोटी हरड़ एक बड़ी हरड़, तो आप बड़ी हरड़ लें, और सौंठ का चूर्ण। ये चार औषधियों का प्रयोग हुआ है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पाठा, कहीं कहीं पाढ़ भी बोलते हैं, और ये सारी औषधियाँ पंसारी के यहाँ मिल जाती है। तो पहली एक औषधि है पाठा, दूसरी औषधि है इंद्रजौ, तीसरी औषधि है बड़ी हरड़ का छिलका, और चौथी औषधि है सौंठ। ये चारों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लें, साफ कर लें और कूट पीस करके कपड़ छान चूर्ण बना लें और आपस में मिक्स कर दें। ये आपकी औषधि तैयार हो गई। इसको चूर्ण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और इसका क्वाथ भी बनाया जा सकता है। तो चाहे आप क्वाथ बना करके प्रयोग करें और चाहे चूर्ण के रूप में प्रयोग करें। कष्ट साध्य, दर्द जिसमें होता है पेट में, मरोड़ होती है, पीड़ा युक्त जो आम अतिसार है जिसमें म्यूकस आता है और लूज मोशन होता है, उसके लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। इसके प्रयोग से पीड़ा भी शांत होगी और अतिसार यानी पेचिस से भी आपको राहत मिलेगी। मल बंधा हुआ आएगा, जो पानी जैसा मल आता था वो नहीं आएगा। बहुत अच्छी औषधि है और मौसम को देखते हुए ये औषधि आप निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं। इसकी एक मात्रा 3 से 5 ग्राम की है। तो चाहे चूर्ण के रूप में प्रयोग करें, चाहे क्वाथ बना के प्रयोग करें, बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसका प्रयोग करें, आपको लाभ मिले तो दूसरों को भी बताएं। एक निवेदन के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि अगर ये मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को अवश्य ही क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत तुरंत पहुंचते रहें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।